हेलो क्लास, हिंदी वसंत में पार्ट 14 खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है, ये पार्ट जो है, इस पार्ट के माध्यम से मैं आपको इसके शॉर्ट में मैं आपको इसका सारांश बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके शब्दार्थ के विषय में बताया था और इसके पार्ट से संबंधित जो मुख्य बिंदु है उसके विषय में बताया था। आज मैं इसको विस्तार से बताऊंगी। इसमें पहला वाला पॉइंट है खान पान की संस्कृति में बदलाव। ठीक है, खान पान की संस्कृति में कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं, तो लेखक जो है वो इस बिंदु के माध्यम से यही बताना चाहता है कि 10 से 15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफी बदलाव आया है। ठीक है, दक्षिण भारत व उत्तर भारत के जो भोजन है वो काफी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। ठीक है, दक्षिण भारत का जो इडली डोसा है, वड़ा सांबर है, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ है, खान पान की हमारी संस्कृति में बदलाव भी देखने को मिला है। फिर है नंबर 2 पर, सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर उपलब्ध। इस पॉइंट के माध्यम से जो लेखक है उन्होंने बताया है कि जो अलग अलग प्रदेश हैं वहां के जो व्यंजन हैं वो अब क्या है, आजकल सभी प्रदेशों में या सभी स्थानों पर उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, जबकि क्या होता था, पहले यही जो व्यंजन होते थे वो उनकी प्रांत की विशेषता होते थे। मतलब मान लीजिए दक्षिण भारत का अगर डोसा है, इडली है, वो दक्षिण भारत में ही प्रसिद्ध होता था कि वहां का डोसा इडली बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा है, ठीक है, खाने में भी स्वादिष्ट है। लेकिन अब क्या है, वो सब चीजें अब और प्रांतों में भी उपलब्ध आसानी से हो जाती हैं। ऐसी बताया गया है जो ब्रेड होते थे वो केवल अमीरों के घरों में ही देखे जाते थे। ठीक है, केवल अमीर लोग ही उसे खा पाते थे, लेकिन अब कस्बों तक में ये जो ब्रेड वगैरह है ये पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बदलती संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी प्रभावित। अब क्या हुआ है, बदलती संस्कृति से क्या हुआ है, नई पीढ़ी जो है बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई है। कैसे हुई है, ये वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानते थे, लेकिन क्या है, अब ये नए व्यंजनों के बारे में अधिक से अधिक उनको पता लग गया है। ठीक है, स्थानीय व्यंजन भी 2-3 जो स्थानीय व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे छोले कुलचे पाव भाजी इस टाइप के जो व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इसके जो नेक्स्ट 3 पॉइंट हैं इसके विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।